इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्कुलर पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक 3D पार्ट जनरेट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसका डायमीटर 160 mm, एंटर। एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसका डायमीटर 40 mm, एंटर। इसे 3D पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें फीचर्स टूल लगाना होगा, तो फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसका थिकनेस 10 mm। ओके, फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच, नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और इसे कीजिए थ्रो ऑल। ओके, नॉर्मल व्यू। अब हम यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न यूज करेंगे, तो फीचर्स पे क्लिक करें, लीनियर पैटर्न के नीचे इस आइकन पे क्लिक करें और सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करें। डायरेक्शन 1 में आपको सर्कुलर फेस या सर्कुलर एज सेलेक्ट करने होंगे, तो हम ये सर्कुलर एज सेलेक्ट करेंगे और इसे इक्वल स्पेसिंग पे क्लिक करें। एंगल आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे 360 ही रखेंगे। और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3, 4, 5, 6 रखेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे फ्यूचर्स एंड फेसेस और बॉडीज दिया गया है, तो आप फ्यूचर्स एंड फेसेस वाले बॉक्स में क्लिक करें और फ्यूचर्स टू पैटर्न वाले बॉक्स में क्लिक करें और इस एरो पे क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए कट एक्सट्रूड 1। और ओके करें, तो ये देखिए सेलेक्टेड सर्कुलर एज के राउंड सर्कुलर पैटर्न हो गया। इसमें आप एंगल सेट कर सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न 1 पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर कीजिए और यहाँ पे इनपुट कीजिए 270 डिग्री, एंटर। ओके, तो ये देखिए 270 डिग्री तक ये सर्कुलर पैटर्न हो गया। हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे 360 डिग्री। ओके, फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच, नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। फ्यूचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसका थिकनेस 15 mm, एंटर। और इसे मर्ज रिजल्ट को अनटिक कीजिए और ओके कीजिए। फ्यूचर्स, लीनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और सर्कुलर पैटर्न डायरेक्शन 1 वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए सर्कुलर फेस, तो हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे। इक्वल स्पेसिंग
और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। फ्यूचर्स एंड फेसेस वाले बॉक्स में अनटिक करें और सेलेक्ट कीजिए बॉडीज, और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए ये भैया बॉडी, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इसे हम 4 करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए सर्कुलर पैटर्न हो गया। आप चाहें तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पे 6 करेंगे, ओके कीजिए। यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया है इंस्टेंसेस टू स्किप, तो सर्कुलर पैटर्न 2 पे राइट क्लिक करें, एडिट फीचर, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए और यहाँ पे इंस्टेंसेस टू स्किप पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें। इंस्टेंसेस टू स्किप में क्या होता है कि आप पैटर्न किए हुए किसी इंस्टेंसेस को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में हमने जिसने भी इंस्टेंसेस को सेलेक्ट किया था वो रिमूव हो गया। सर्कुलर पैटर्न 2 पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर और इसे क्लियर कीजिए, ओके कीजिए। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।